और चल देता है। रास्ते में माँ गंधारी मिलती है कि बेटा ऐसा नर्त क्यों कर रहे हो। लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है सजना, जब बुद्धि होनी को हर लेती है तो कोई काम बुद्धि नहीं करती, कोई अकल काम नहीं करती, होनी अपने बस में कर लेती है इंसान को। दुशासन कोई बात नहीं मानता है, केसों को पकड़ कर घसीटता हुआ सभा के बीच में पहुंच गया। दुर्योधन अपनी गद्दी को जोड़े खड़े हो जाते, आओ द्रौपदी आओ। बहुत दिन से इंतजार में था कि कब वो दिन आए कि द्रौपदी मेरी सभा में आए। साथियों कैसे सवाजाब होते हैं, क्या दुर्योधन कहता है और क्या द्रौपदी कहती है, सुनते इस बात के माध्यम से आइए साथियों। मुझे इस सभा में क्यों बुलवाया है? आज तो जेठ जी लगे बातें कर रही हो द्रौपदी। जेठ जी? हाँ। आप हो नहीं मेरे जेठ जी? मैं मानता हूँ। मानते हो या हो? नहीं अभी तो तुम गलत फैमिली में हो। फैमिली में नहीं हूँ? हाँ। वो फैमिली नहीं होती, फैमी होती है। चलो कोई बात नहीं, मात्रा की गलती नहीं तू सही करती रहे द्रौपदी। तुम गलती करते रहो, मैं कहाँ तक सुधारूंगी। मेरी बात सुन ले, जब मैं तेरे महल के अंदर गया था, अच्छा, तो तब तो आपने जी नहीं लगाई, लेकिन आज कहती है जेठ जी, तुम्हें मालूम है? तो मतलब इज्जत रास नहीं आ रही क्या? अरे आज एक कौरवों की सभा है द्रौपदी। अच्छा, बहुत दिन से इंतजार में था मेरे कि कभी ना कभी द्रौपदी मेरी सभा में आए और मैं अपने उस अपमान का बदला लूं जो अपमान तूने अपने महल के अंदर मेरा किया था। अच्छा, आज आपने मुझे अपमान का बदला लेने के लिए बुलाया है? जी। अच्छा तो आप जो आपका मन करता है वो कीजिए। कैसे लेंगे अपमान का बदला? अभी इतनी जल्दी क्या, थोड़ा धैर्य पकड़। ना मैं तो सोच रही हूँ अपमान का बदला ले ले मैं चलूं। ऐसे थोड़ी होते है, हम भी आखिर क्षत्रिय है। ओहो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आपका छत्रापण तो चला गया, आप तो अब छतरी छतरी रह गई बस। द्रौपदी मेरी बात सुन ले। हाँ कहिए। क्योंकि आपने मेरे कंधे का अंडा कहा था। आप तो खुश भी हो रहे। हाँ। अच्छा आज बहुत दिन से मुश्किल से मौका मिला है द्रौपदी, इसलिए खुशी हो रही है दिल में। अच्छा हाँ, तो हंसिए। बहुत से देख रहे आंखों को, आंखें मैंने बिल्कुल नई बनवाई है। वे ये मुझे तो ऐसा लग रही है उनसे बेकार होगी लगे आज। नहीं सही हुई है अभी। सही हुई है? हाँ। अच्छा ऑपरेशन हाँ। करवा दिया इनका? बिल्कुल करवा दिया। अच्छा हाँ। कहिए अपनी बात। कह दूँ? हाँ कह दीजिए। गौर से देख लेना आंखों को। देख रही हूँ, वो ही लग रही है मुझे तो उनसे बेकार सी, पर अगर बनवाई है तो क्वालिटी बताइए जरा। ए तू इनकी पहचान ध्यान से क्या हेरी नहीं सही करवाई है द्रौपदी। आज तूने काजल ज्यादा लगा लिया अपनी आंखों में। अच्छा हाँ। मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है पर तुम्हारी फूट गई अब तो। मेरी नहीं फूटी। अच्छा सही करवा। सुनिए मेरी बात। बताइए क्या कर रहा है।
खबर के घूट पहले तो रे पहले तो कुछ दिखे था आज हीरे की गली से फूट पहले तो कुछ दिखे था आज हीरे की गली से फूट मेरा नाम दुर्योधन री मेरा नाम दुर्योधन तन करके छोटू पारे बाटे अंधे का अंधा कहगी दिल्ली में लगा के ठाटे आगे मत न बोले न सुने पिछला भोयनी जो काटे आगे मत न बोले न सुने पिछला भोयनी जो काटे ओ मने जैसा बो दिया बीज मने जैसा बो दिया बीज बीज के पर लूंगा कुछ पे नहीं कटेंगे मैं काट लूंगी नहीं नहीं काट लूंगी बच्चों ने जिद मत कर काट लूंगी क्योंकि तुझ पे तेरे पांचों पतियों पे नहीं कटेंगे अच्छा हाँ पांचों पतियों को दूर रख मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया हाँ कि तुम 101 और मैं अकेली केक रहेगी फिर तुम पे भारी पड़ूंगी अच्छा पांचों पांडव भारी होगी हम पे नहीं सुन ले मेरी बात गौर से हेलो बोली के तीर सभा में बुलाई ही गई हाँ। तारने को तेरा चीर नंगी जा दिखाई जागी देखेंगे सब नगन शरीर नंगी जा दिखाई जागी देखेंगे सब नगन शरीर फिर कोई नहीं रोका टोका खेल ले मन माने भाग हाँ। मेरा चीर के तार है तेरी धूल में मिला जो पाग अच्छा? हंसनी ने हाँ? हंसनी नमत ना छेड़ा का हो जा काले नाग हंसनी नमत ना छेड़ा चुपका हो जा काले नाग ओ मेरे करे हैं जिगर मैं घावरे करे हैं जिगरे जेठ बहू का बैर
मैं आखिरी बार तेरे को समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा है? अगर तेरा कोई इस भरी सभा में हिमाती हो, अच्छा, उसको भी बुला लेना। अच्छा, क्योंकि फिर मेरा विकराल रूप हो जाएगा, फिर मैं रुकूंगा नहीं। तू अपना विकराल रूप दिखा। दिखाऊं? हाँ। सुन ले मेरी बात। मुझे तो तुझसे वैसे भी अभी डर लगता है। कौन है हिमाती ही तेरा भारी बैठी से चीरतार आगे ना बढ़ा के हार दूसरा चीरतार आगे ना बढ़ा के हार हार जुए में हराई किसने किसको मेरा अधिकार जुए में हराई किसने किसको मेरा अधिकार ओ कह गौरी सक में करे कविता तू।